हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटीज़ यूट्यूब चैनल। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रांजल सिंह एंड आई एम दी फैकल्टी ऑफ लॉ इन दी कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ अपने लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसका तीसरा वीडियो। इसके पहले हमने दो वीडियो कौन से पढ़े थे, तो पहले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज असल में होती क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। और उसके बाद हमने उसके सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा कि जो चैप्टर 1 और 2 है इस एक्ट का, यानी कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस पूरे एक्ट का, उसको हमने पढ़ा, जिसमें डेफिनेशन क्लॉज था, नालसा की स्थापना थी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे सालसा, डालसा और तालुक लीगल सर्विस कमेटी के बारे में। सालसा क्या है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और डालसा क्या है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी क्या होती है। हम चाहते तो इस पूरे एक्ट का एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेके आ सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो और उसके साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट्स हैं इस एक्ट को लेके वो क्लियर हो जाए। और इस पर्टिकुलर एक्ट को मैं पर्सनली चाहता था कि आप बहुत डिटेल में पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपकी लीगल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज को बहुत ज़्यादा एनहांस करेगा। इसीलिए हम एक डिफरेंट लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। आज हम डील करेंगे स्पेसिफिकली चैप्टर 3 के बारे में, लेकिन उससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या पढ़ा और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें जान लेना, उसको फटाफट देख लेते हैं। ठीक है सर, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के बारे में, जिसमें आज हमने क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 को पढ़ना है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को पढ़ लिया है। चैप्टर 1 और 2 किसके बारे में बात करता है, जल्दी से देख लेते हैं। शॉर्ट टाइटल यही है सर, ठीक है। एक्सटेंट है इसका पूरे इंडिया में, ये हमें पता है, क्योंकि 2019 में आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके बाद से सभी एक्ट जो हैं वो एक्सटेंड होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। CRPC है, इसके जैसे कुछ एक्ट हैं जो कि ट्राइबल एरियाज और असम में नहीं एक्सटेंड होते हैं। खैर, वो डिफरेंट लेक्चर की बात है। कमेंसमेंट डेट क्या है, अगर आप में से किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं। कमेंसमेंट डेट है इसकी 9th of November 1995। इस डेट को ये कमेंस हुआ था। इसमें एक जानने लायक बात और क्या है कि 9/11/1995 को सर पूरा का पूरा एक्ट कमेंस हुआ था, एक्सेप्ट चैप्टर 3 जिसको आज हम पढ़ेंगे। क्या रीज़न है? क्योंकि वो डील करता है सालसा को, और सालसा हर एक स्टेट में बनना था, तो उनका कमेंसमेंट ईयर अलग अलग था, यानी अलग अलग स्टेट में सालसा की स्थापना अलग अलग तारीख को हुई। ये हमें पढ़ना था किसके बारे में, चैप्टर 1 के बारे में। और उसके साथ ही साथ डेफिनेशन क्लॉज में सारी की सारी सर डेफिनेशन दी हुई हैं। ऐसा कोई भी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी जो आपने इससे पहले ना पढ़ी हो, सिवाय 3 डेफिनेशन के। जो कौन सी हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए वो है सेंट्रल अथॉरिटी। अब सर ये सेंट्रल अथॉरिटी क्या है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नाम का शब्द इस एक्ट में बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। और सेंट्रल अथॉरिटी और कुछ भी नहीं, नालसा को कहते हैं। नालसा एक नेशनल बॉडी है, उसको सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं। सालसा एक स्टेट बॉडी है, उसको स्टेट अथॉरिटी कहते हैं। और डालसा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी है, उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कहते हैं। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल अथॉरिटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होगा, या सेंट्रल अथॉरिटी का पैटर्न इन चीफ कौन होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सेंट्रल अथॉरिटी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है या कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, वो केवल नालसा की बात कर रहा है। ये डाउट आप अपने दिमाग में क्लियर रखिएगा, आपके बाकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस लेक्चर को हम शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले एक बार फिर से आपको रिवाइज कराने के लिए बता दें, सबसे बड़ी बॉडी है यहाँ पे कौन सी, नालसा, उसके नीचे काम कौन कर रहा है, सालसा, उसके नीचे कौन काम कर रहा है, डालसा। और अगर ज़रूरत लगी तो एक एक्सेप्शन है, अगर ज़रूरत लगी तो एक तालुक लीगल सर्विस कमेटी भी बनाई जा सकती है। उसके साथ ही साथ 2 और बॉडीज काम करती हैं, क्योंकि नालसा सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होता है लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिक के लिए सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, और सालसा स्टेट लेवल पे काम करता है लेकिन वो केवल हाई कोर्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हाई कोर्ट स्पेसिफिक होने के लिए हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। बस इतनी बातें अगर आपको पता है तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, इतना ही आपको जानना है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होना है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी कैसे बना उसके बारे में बात करी थी। सेक्शन 3A में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी फंक्शन सेंट्रल अथॉरिटी जो दूसरे एजेंसीज के साथ काम करेगी। आगे आपको पढ़ने में आसानी, उससे यहीं से समझा देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा इस पूरे एक्ट में सबसे पहले आपको 3 की टेबल आती है, सबको आई होप आती होगी, इतना तो आपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी कि आपको 3 की टेबल आती हो। अगर आपको 3 की टेबल आती है तो ये एक्ट आपके दिमाग में उतर जाएगा। कैसे? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। 3 में दिया हुआ है नालसा,
6 में दिया हुआ है सालसा और 9 में दिया हुआ है डालसा। 3 की टेबल आ गई तो आपको नालसा, सालसा और डालसा तीनों का कमेंसमेंट ईयर, सॉरी तीनों का आपको पता चल गया कि स्थापना कौन से सेक्शन के हिसाब से हुई। अब एक बात और थंब रूल ध्यान रखिएगा कि हर सेक्शन के बाद का अगला सेक्शन, यानी कि जिस सेक्शन में स्थापना हुई है अथॉरिटी की, उसके ठीक अगला सेक्शन उसका फंक्शन बताता है। 3 के बाद क्या आता है? सेक्शन 4, तो वो नालसा का फंक्शन बताएगा। 6 के बाद क्या आता है? सेक्शन 7, तो वो सालसा का फंक्शन बताएगा। और सेक्शन 9 के बाद आता है सेक्शन 10, जो कि डालसा का फंक्शन बताएगा। और उसके साथ ही साथ डालसा के नीचे कौन काम करता है? तालुक लीगल सर्विस कमेटी, तो वो 11A और 11B में दिया हुआ है। खैर, ये ट्रिक मैं आपको आखिरी वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि इस पूरे एक्ट को याद कैसे किया जाए। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और अपने इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 को, जो बात करेगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, और उसके नीचे काम करने वाली एक अथॉरिटी और एक और कमिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले सेक्शन 6 में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो दूसरे एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेगी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट प्लस सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फंक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी वो बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी, तालुक लीगल सर्विस कमेटी और फंक्शन ऑफ तालुक लीगल सर्विस कमेटी। इस वीडियो लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर 3 से हम शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ने पे जाएंगे तो हम केवल रीड करते रह जाएंगे। आप सिर्फ मेरे को फॉलो अप करिए, आप सिर्फ मुझे फॉलो करिए कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ और क्या एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ सेक्शन से। अगर आपने उतना एक्सट्रैक्ट कर लिया तो ये अथॉरिटीज एक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 को, जिसमें दिया हुआ है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हमें क्या पता है सर, 3 में नालसा बना था तो 3 × 2 में क्या बनेगा? 6 में सालसा। ये देखिए 6 में यहाँ सालसा बन गया, यानी कि सेक्शन 6 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की, किसके? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के। ठीक है सर, समझ गए। क्या कह रहा है इसमें कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट था क्योंकि स्टेट का मैटर है, इसलिए एवरी स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी कॉल्ड एज लीगल सर्विस अथॉरिटी फॉर द स्टेट, जिसको हम सालसा भी कहते हैं, जिसको कहते हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और वो क्या होगी? उसके फंक्शंस जो होंगे वो जो स्टेट अथॉरिटी को कन्फर किए जाएंगे वो उसके पावर्स और फंक्शंस होंगे, और वो लीगल एड प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और लीगल सर्विसेज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन मेंबर होंगे इसके? ये सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मामले में क्या था, नालसा के मामले में क्या था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो उसके पैट्रन इन चीफ होते थे। यहाँ पे भी पोजीशन क्या है? पैट्रन इन चीफ की है, बस फर्क यह है क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, इसलिए उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या बन जाएंगे? पैट्रन इन चीफ बन जाएंगे। अ सर्विंग और रिटायर्ड जज, ये बात ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के नालसा में भी मैंने बताया था, यहाँ पे क्लॉज है कि कोई सर्विंग या रिटायर्ड जज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा सालसा का और नालसा का, नालसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का, सालसा के केस में हाई कोर्ट का। लेकिन एक प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है कि चीफ जस्टिस के बाद जो अगले जज हैं सीनियर मोस्ट, जो हाई कोर्ट के हैं, उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। ये ऑलमोस्ट हर स्टेट में प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पैटर्न इन चीफ है, किसके? नालसा के। इनके नीचे काम करते हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जो इसी साल दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, वो इस वक्त एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है नालसा के। तो एक तरह की ये प्रैक्टिस है, ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी सर्विंग जज या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का और नालसा के केस में सुप्रीम कोर्ट का, उसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, ये इंटरेस्टिंग है, उसको नॉमिनेट कौन करेगा? गवर्नर नॉमिनेट करेगा, बट इन द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नालसा के सारे मैटर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन करी जा रही थी, कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सालसा के मैटर में, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मैटर है, स्टेट का मैटर है, इसलिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हर जगह पे कंसल्ट करेगी गवर्नमेंट, और कौन सी गवर्नमेंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, और क्या कह रहा है? सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, अब भाई जाहिर सी बात है, अगर आप पैटर्न इन चीफ बना देंगे और उसके नीचे आप एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना देंगे तो वो किसके चेयरमैन होंगे? उस कमेटी के और भी मेंबर्स तो होने चाहिए ना, अगर एक राजा है तो एक राज्यसभा भी होगी, तो बस उसी के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दूसरे मेंबर जो हैं, जो इतना एक्सपीरियंस को पोजेस करते हों, ऐसी क्वालिफिकेशन को पोजेस करते हों, जाहिर सी बात है लीगल सर्विसेज की बात है तो या तो आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो और या तो आपके पास ऐसी क्वालिफिकेशन हो कि आप लीगल सर्विसेज के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं, ऐसे लोगों को भी क्या कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से करेगा सर। ठीक है, और क्या कह रहा है फिर से? स्टेट गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट फिर से क्या करेगा? एक मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा। यहाँ देख लीजिए,
मेंबर सेक्रेटरी अपॉइंट करेगा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का, वो कौन सी पावर्स को परफॉर्म करेगा, वो सारी पावर्स को परफॉर्म करेगा जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन उसको वेस्ट कराएगा। यहीं पे एक फर्क समझ में आ गया कि पैटर्न इन चीफ, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, वो एक तरह का केयर टेकर होता है, ही इज द अथॉरिटी, वो सुपरवाइज करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल पावर्स हैं वो वेस्टेड होती है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पास। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये जो यहाँ लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इनके पास रियल पावर्स वेस्टेड होती है। ठीक है, उसके साथ ही साथ कौन होगा सालसा का मेंबर सेक्रेटरी, हु शेल बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक का आदमी ही सालसा का चेयरमैन हो सकता है। नालसा के केस में भी मैंने आपको बताया था, हायर जुडिशियल सर्विसेज, वहाँ पे भी इस वक्त दिल्ली जुडिशरी की एक मैम है जो कि डिस्ट्रिक्ट जज रैंक की है, वो इस वक्त नालसा की कौन है, मेंबर सेक्रेटरी है। यानी कि आपको अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि जो सालसा है ना सर, ये सालसा और नालसा ऑलमोस्ट सेम बॉडी है और ऑलमोस्ट सेम तरह की पोस्ट है इनमें, ऑलमोस्ट सेम तरह के काम है इनके, ऑल्दो नालसा इससे सुपीरियर है। सालसा के केस में बस चीज़ इतनी हो जाती है कि ये मैटर स्टेट का हो जाता है, तो वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आ जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वहाँ पे कौन आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, इतना ही हमें यहाँ पे समझना था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट क्या कह रहा है इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन फंक्शनिंग एज सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट लीगल एड एंड एडवाइस बोर्ड, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब ये नालसा सालसा की स्थापना नहीं हुई थी उस समय से लीगल एड के बोर्ड्स कुछ काम कर रहे थे, तो ये बस इतना कह रहा है कि यहाँ पे इन्होंने इससे पहले एक रूल बना दिया कि मेंबर सेक्रेटरी कोई डिस्ट्रिक्ट जज रैंक से नीचे का आदमी नहीं होगा, लेकिन अगर जब सालसा की स्थापना हुई और उस तरह का कोई एक लीगल एड बोर्ड काम कर रहा था, उस पर्टिकुलर बोर्ड में सर्व करने वाला सेक्रेटरी ऑल्दो वो डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक का ना हो, लेकिन फिर भी उसको मैक्सिमम 5 साल तक के लिए मेंबर सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो ऐसी वैल्यू ऐड कर रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय इमीडिएट इफेक्ट से कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज मिल जाए जो इतना एक्सपीरियंस होल्ड करे, अगर इस पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस है तो उसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए, ऑल्दो ये काम हो तो वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए रहा है ना, तो इसलिए इस चीज़ से इतना फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये सब है, ये टर्म ऑफ ऑफिस ही इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से नहीं है, जाहिर सी बात है टर्म ऑफ ऑफिस कौन डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, किसके कंसल्टेशन से करेगी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किससे करेगी, और क्या है अदर ऑफिसर्स, अभी तक उससे पहले किसकी बात हुई थी, मेंबर्स की, यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनके ऊपर पैटर्न इन चीफ है, उनके नीचे कुछ मेंबर्स काम करेंगे, ऑफिसर्स भी तो काम करेंगे ना, वो ऑफिसर्स जो ऑफिसर्स को संभालेंगे, डिफरेंट ऑफिसर्स होंगे सालसा में। उसके साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है, एक लॉयर यानी कि एक एडवोकेट जो कोर्ट रूम में जाता है, हु इज ऑल्सो टर्म टू बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक एडवोकेट को भी, आपको भी अपनी शक्तियों का इतना पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, जब आप एक कोर्ट रूम में खड़े होते हैं तो आप एक लीगल ऑफिसर हैं, यू आर ऑल्सो टर्म्ड एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो उन सभी ऑफिसर्स की यहाँ बात कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अदर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, देखिए यहाँ शब्द आ गया स्टेट अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सालसा और कुछ भी नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। उनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात कर रहा है, ये कहाँ से आएगा, ये वो प्रिस्क्राइब करेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी वो सैलरी उनको मिलेगी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बट कंसल्ट उसको किससे करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, क्यों, क्योंकि वही सुप्रीम अथॉरिटी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कि जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जो भी आपके खर्च बैठ रहे हैं, किसके, सालसा के, इंक्लूडिंग सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशंस पेबल टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉयज स्टेट अथॉरिटी शैल बी डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतना ध्यान रख लीजिए, सालसा के मैटर्स में जो सैलरी आएगी, जितने भी खर्च आएंगे वो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आएंगे, नालसा के केस में वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएंगे। ठीक है सर, ऑल ऑर्डर्स डिसीजंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड, यानी कि जो भी ऑर्डर स्टेट अथॉरिटी के होंगे, जैसा हम सबको पता है, वो मेंबर सेक्रेटरी साइन करेगा, और अगर मेंबर सेक्रेटरी की प्रेजेंस नहीं है तो कोई एक ऐसा मेंबर करेगा जिसको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने ये पावर दी हो कि आप हमारे ऑर्डर्स को थप्पा लगा सकते हो, बस इतना समझ लो, बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, ओके, अब ये जो कि सालसा में भी लिखा था, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ये केवल एक ये बात कह रहा है कि भाई मान लीजिए कोई पर्सन केस जीत गया, उसके अपोजिट पार्टी ने उठा के सालसा के स्थापना में जो प्रोसीजर फॉलो किया गया उसमें कोई फ्लॉ निकाला और बोला कि सर इसमें तो ये गलती थी, इसलिए सालसा के द्वारा मिला गया एक वकील भी इस पर्सन को गलत है, और इसके लिए ये जो जजमेंट आया है ये भी गलत हो गया, तो ये बस यही कह रहा है कि
मेयरली बिकॉज सालसा की स्थापना में कोई फ्लॉ रह गया हो, कोई त्रुटि रह गई हो, उसके चक्कर में हमारा कोई डिसीजन, सालसा का कोई डिसीजन मेयरली ऑन दैट बेस गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता। बस इतनी सी बात वो कह रहा है। ठीक है, मैंने जैसा बताया था अगले में फंक्शंस के बारे में बात करता है। इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट अथॉरिटी टू गिव इफेक्ट द पॉलिसी एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी जो आदेश देगी उसको आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में लागू कराने का सबसे पहला काम है आपका। ठीक है, उसके बाद अपनी जनरलिटी और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वो सारी ड्यूटी परफॉर्म करनी है जो आपको आइडियली करनी चाहिए। ये बात कर रहा है पार्ट टू। क्या है वो? लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ताकि जो क्राइटेरिया लेड डाउन है, यानी कि सेक्शन 12 में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके साथ साथ आपको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। लोक अदालत और हाईकोर्ट केसेस के लिए एक्सक्लूसिवली लोक अदालत करवानी है। प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम्स, यानी कि आपको एक स्ट्रेटेजिक, वो भी उन्होंने पोजीशन दी है कि आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपके स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट की कंडीशन अलग होती है, कैसे लीगल एड प्रोग्राम्स को मैक्सिमम मासेस तक पहुंचाया जा सके। परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट अथॉरिटी मे इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल अथॉरिटी फिक्स्ड बाय रेगुलेशंस, यानी कि स्टेट अथॉरिटी जो नालसा के साथ मिलकर जो अदर फंक्शंस को डिसाइड करेगी उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। सेक्शन 8 में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये बस इतना कह रहा है कि जो स्टेट अथॉरिटी है, ये नालसा में भी दिया हुआ था, ये डालसा में भी आएगा, कि नालसा, सालसा और डालसा तीनों को अदर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलकर काम करना है। इसमें कुछ भी नहीं है और ये एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आता है एग्जाम के प्रस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये किस बला का नाम है, ये 8A में जो लिखा हुआ है हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, ये क्यों है? अब मैं आपको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डालसा है, डालसा हर डिस्ट्रिक्ट को डील कर रही है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यानी कि वो ऑलमोस्ट उसके सारे मैटर्स को सॉल्व कर रही है। सालसा स्टेट का एक है, उसका काम है सारे डालसास को भी संभालना, तालुक लीगल सर्विस कमेटी को भी संभालना, नालसा से भी कोऑर्डिनेट करना। हाईकोर्ट हर स्टेट का एक होता है और सालसा उसको स्पेसिफिकली डील नहीं कर सकती। केवल हाईकोर्ट के मैटर्स को डील करने के लिए क्या बना? हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी देश में एक है, सिर्फ नालसा उसको एक्सक्लूसिवली डील नहीं कर सकता क्योंकि नालसा के पास और भी काम है, उसके ऑफिसर्स के पास और भी काम है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए बन गया सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अथॉरिटी और कमेटी में फ़र्क समझ लीजिए। अथॉरिटी नाम का जो यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके पास रियल पावर्स वेस्टेड है, और कमेटी केवल एक कमेटी है जो कि अथॉरिटीज़ के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेगी। कमेटी के पास कोई भी किसी प्रकार की पावर नहीं होगी। हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी द स्टेट अथॉरिटी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सालसा के अंडर में काम करने के लिए एक सालसा बनाएगी एक कमेटी को, किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, जो कि चलाएगी हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी फॉर एवरी हाई कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग सच पावर्स एंड परफॉर्मिंग सच फंक्शंस मे बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशंस मेड बाय द स्टेट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अभी तक काम कर रही थी, अब ये सालसा के अंडर की बॉडी है क्योंकि सालसा एक अथॉरिटी है, ये एक कमेटी है, तो सालसा के द्वारा डिसाइडेड सारी चीज़ों को ये फॉलोअप करेगी। कमेटी में कौन होगा? सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे देखिए, सिटिंग जज और रिटायर्ड जज नहीं बोला, केवल सिटिंग जज बोला क्योंकि ये प्रेजेंटली हाई कोर्ट में डील कर रहा है, एक्सक्लूसिवली हाई कोर्ट में डील कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट का एक जो सिटिंग जज होगा वो इसका चेयरमैन होगा। सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, यानी कि स्पेसिफाई नहीं किया है, और भी अदर मेंबर्स होंगे जो कि स्टेट अथॉरिटी से जस्टिफाइड होंगे, उनके द्वारा बनाई गई रेगुलेशन से गवर्न होंगे, ऐसे मेंबर्स की भी अपॉइंटमेंट करी जाएगी हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में। लेकिन नॉमिनेट उसको कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट। उसके बाद क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे? एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे उस कमेटी के लिए जिनके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो और ऐसा क्वालिफिकेशन हो जो कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ये इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे ये बताएगी कि उस सेक्रेटरी के पास क्या एक्सपीरियंस और क्या पावर होने चाहिए। खैर, हमें तो केवल इसको पढ़ के समझना है इसलिए हम फटाफट समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या रहा है? द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस किसका? जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ऑफ द मेंबर्स एंड सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी का एक्सक्लूसिव पोस्ट है इसलिए, और उसके सभी मेंबर्स का, शेल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशंस मेड बाय स्टेट अथॉरिटी। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया, अथॉरिटी के पास एक अथॉरिटेटिव पावर होती है, वो उसी पावर का इस्तेमाल करके ये डिसाइड करेंगे कि जो हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है उसके मेंबर्स का टेन्योर क्या रहेगा, उसके मेंबर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, और उस ड्यूरेशन के हिसाब से वो उसमें सर्व कर सकते हैं। और क्या है उसके बाद लिखा हुआ है? द कमेटी में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स। अब जाहिर सी बात है, मेंबर बन गए,
उसके चेयरमैन बन गए, उसके सेक्रेटरी बन गए, अब उसे और भी ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये बस उसी की बात कर रहा है कि और जो भी ऑफिसर्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट विद एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन वो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। अब इनकी सैलरी कहाँ से आएगी, तो ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड ऑफ सच सैलरी एंड अलाउंसेस एंड शैल बी सब्जेक्ट टू सच अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनके सर्विस की कंडीशन क्या रहेगी, क्या वर्किंग आवर्स हैं, कितना काम करेंगे, कितनी फाइलों पर साइन करेंगे, कब घर जाएंगे, कब घर से आएंगे, हफ्ते के कितने दिन की छुट्टी है, कितनी आपको छुट्टियाँ मिलेंगी, कितनी CL, EL, PF, सब चीज़ें डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं मेंशन है कि उनका फंड कहाँ से आएगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ क्यों नहीं लिखा कि कहाँ से फंड आएगा, क्योंकि ऑब्वियस है सर, सालसा का फंड आ रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, तो जाहिर सी बात है ये सालसा की सबॉर्डिनेट बॉडी है तो सालसा से फंड रिलीज होगा। यानी कि अल्टीमेटली जो इनका पैसा है वो कहाँ से आ रहा है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी अपना सैलरी एंड अलाउंसेस कहाँ से रिट्रीव करती है, तो वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अब यहाँ से शुरू हुआ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि है 3 × 3 9, ठीक है सर। क्या कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है इसलिए फिर से वही होगा, एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा डालसा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शंस कंफर्ड और असाइंड टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। यानी कि क्या पावर फंक्शंस होंगे जो भी इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं वो सारे पावर होंगे। अब उसके मेंबर कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट समझिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा ना उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वो उसका चेयरमैन बन जाएगा। यहाँ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं है, केवल चेयरमैन होगा, वो आंसरेबल होगा सालसा को। और अदर मेंबर्स पोजेसिंग सच एक्सपीरियंस, जो हमने सालसा में पढ़ा वही सेम चीज़ है, वही है, बस वहाँ पे सालसा के उसमें जो उसके चेयरमैन थे वो गवर्नर ने उनको अपॉइंट किया था, यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है, बट कंसल्टेशन हमेशा चीफ जस्टिस से ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द स्टेट अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट अथॉरिटी मतलब सालसा जो है डालसा का क्या बनाएगी, एक सेक्रेटरी बनाएगी जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा जो बाकी के अथॉरिटीज में सेक्रेटरी का काम होता है वही काम होगा, लेकिन चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के कंसल्टेशन से बनाएगी। और एक कंडीशन क्या है, वो किसी सबॉर्डिनेट जज या सिविल जज की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज की होगा कोई जज ही हो सकता है, और किसी सिविल जज या सबॉर्डिनेट जज के नीचे का व्यक्ति सेक्रेटरी डालसा का नहीं बन सकता। जैसे मैं अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जो डालसा है वहां पे जो सीनियर मोस्ट सिविल जज क्लास 1 होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको डालसा का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, ये एक एक्सप्रेस रूल है यहाँ पे, ठीक है सर। यानी कि पॉइंट 3 भी क्लियर है, पॉइंट 4 को पढ़ लेते हैं। अब ये जो है इनका टर्म ऑफ ऑफिस एंड अदर कंडीशंस रिलेटिंग देयर टू ऑफ मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी सच एज मे बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट अथॉरिटी, यानी कि सालसा बताएगा कि कितना आपका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा, कितना आप काम करेंगे, ये सब सालसा के ऊपर है। और क्या है, अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बन गई, वही सेम सालसा वाली चीज़ अप्लाई हो रही है, तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ऊपर है कि वो और कितने नंबर ऑफ ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, क्योंकि अथॉरिटी है तो कुछ अथॉरिटेटिव पावर जो है इनके पास भी आएगी। वो अलाउंसेज, वो सारी सैलरी 6 किसके बारे में बात कर रहा है, जो कि देनी है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ऑफिसर्स और मेंबर्स को, वो डिसाइड होगी, कौन करेगा, स्टेट अथॉरिटी डिसाइड करेगा इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, बस इतनी सी बात है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के, वो कहां से आएंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से आएंगे और वहीं से उसके सारे खर्च को निकाला जाएगा, ठीक है। और क्या है, और ये है 8th पॉइंट में कि ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सेक्रेटरी, यानी कि जो सेक्रेटरी हैं वो जो है उसके सभी ऑर्डर्स पे, उसके सभी पॉलिसीज पे स्टैंप लगाएंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे कि हाँ ये ऑर्डर वैलिड है, सेक्रेटरी अपॉइंट ही इसलिए हुए हैं। और जो सालसा और नालसा में हमने पढ़ा कि कोई भी, इसको पढ़ लेते हैं, नो एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, यानी कोई भी किसी प्रकार का कार्य या किसी भी प्रकार की कार्यवाही केवल इस ग्राउंड पे कि कोई त्रुटि या वैकेंसी रह गई थी डालसा की स्थापना में, गलत नहीं प्रूफ कर दी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। अब अगला सेक्शन उसके फंक्शन के बारे में बात करता है, तो फंक्शन देख लेते हैं। अब हर डालसा का क्या फंक्शन है, पहला तो कि वो अपने टाइम टू टाइम जो भी उसको स्टेट अथॉरिटी ने काम दिया है उसको पूरा करे, उसके बाद जो और काम उसको बाय डिफ़ॉल्ट है यानी कि बाय जनरलिटी उसके पास जो काम आए हुए हैं, जो काम उसको करने के लिए उसको स्थापना करी गई है वो काम करें। और यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, तालुक लीगल सर्विस कमेटी के साथ मिलके आपको काम करना होगा, ठीक है। और क्या है जो हर जगह पे होता है,
आपको लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करनी है इन द डिस्ट्रिक्ट, और भी जो फंक्शन स्टेट अथॉरिटी आपको बताए, जो रेगुलेशंस के साथ आप डिस्कस करके स्टेट अथॉरिटी के साथ फिक्स करें, वो भी आपको काम करना है। अब ये आ गया, ये आपको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी कि डालसा को दूसरी एजेंसीज और नालसा के साथ इन कोऑर्डिनेशन में काम करना है। ये सेक्शन आप रीड करेंगे, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब हम 11A और 11B की तरफ बढ़ते हैं। ये बात कर रहा है तालुक लीगल सर्विस कमेटी की। एक बात ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट एंटिटी नहीं है, जरूरत पड़ने पे ही इसको बनाया जा सकता है। द स्टेट अथॉरिटी मे कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू बी कॉल्ड एज तालुक लीगल सर्विस कमेटी फॉर ईच तालुक और मंडल। तालुक क्या होता है, जैसे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर के डिविजन्स के लिए आप बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उस बड़े डिस्ट्रिक्ट में एक डालसा के लिए काम कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख है। अब 15 लाख की पॉपुलेशन को एक डालसा का ऑफिस कैसे संभाले, तो ऐसी सिचुएशन में डालसा अलग अलग तालुक अलग अलग सब डिविजन्स में तालुक लीगल सर्विस कमेटी बनाएगा और उनको बोलेगा कि आप लीगल एड प्रोग्राम्स अपने अपने तालुक में रन करिए। कमेटी में कौन होगा, सीनियर मोस्ट जो जुडिशियल ऑफिसर है उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन का, यानी कि उस सब डिवीजन का जो सबसे सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर है, वो उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट उस चेयर की पोजीशन वहां पे फिक्स है, उस चेयर पे कोई भी बैठा हो, ठीक है। फिर वही चीज़ें हैं, सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स, जो भी अदर मेंबर्स जो कि होने चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट फाइनल करेंगे, ये सब हमें पता है सर, ये हमें पता है। उसके बाद क्या है, अदर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी वो करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएंगे, नहीं। यहाँ इंटरेस्टिंग है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं तालुक लीगल सर्विस कमेटी के, जैसा मैंने आपको बताया कमेटी सबॉर्डिनेट होती है अथॉरिटी की, वो डालसा से आएंगे, यानी कि डालसा जो है जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं किसके, तालुक लीगल सर्विस कमेटी के, वो बेयर करेगा। फंक्शन क्या है जल्दी से देख लेते हैं, फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फंक्शन 11B में दिया हुआ है तालुक लीगल सर्विस कमेटी का। पहला क्या है, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लीगल सर्विसेज इन तालुक, यानी कि लीगल सर्विसेज बड़ा शब्द है, उससे रिलेटेड सारे काम आपको करने हैं, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना है और उसके साथ ही साथ परफॉर्म सच अदर फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एज मे बी असाइन टू इट, यानी कि जितने भी काम आपको दिए जाएं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के वो आप परफॉर्म करेंगे। और यहां से हमारा वीडियो लेक्चर इस पर्टिकुलर टॉपिक का यानी कि चैप्टर 3 का खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको लगता है कि आपका डाउट अभी भी रह गया हो या उस पर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको आगे हेल्प करेगा आपके एग्जाम में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए। एंड ऐसे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज हम और लेके आपके लिए आएंगे। अगर कोई और माइनर एक्ट है जिसको आप खत्म करना चाहते हैं जल्दी, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।